आज देख ले मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया का भ्रमण किया, कहीं नहीं छोड़ा, लास्ट में मदीना पहुंच जाते हैं और कहा कि मैं इनके खंदा गेट मुबारक खोल दे, कहा कि ऐसे ही खुली। 15 दिन जीने पर बैठे रहे मेरे भाई, देख ले किसकी बात का इनकार है। आज देख ले उसके बाद जो है 15वां दिन अपने से गेट मुबारक खुल गया, अंदर से आवाज आई, बेटे इदरीस इधर आओ। कहा कि क्या चले हो? कहा कि पूरी दुनिया मुर्शिद तलाश करते करते मैं यहाँ आ गया। क्या उनके लायक मुर्शिदे नहीं था दुनिया में? लेकिन देख ले कहाँ पहुंचा दिया मुर्शिद। कहा कि ठीक है, कहा कि तुम्हारा मुर्शिद तो बागमारी में है। अब उसके बाद जो है मुख्तसर में चले आते हैं, मानिक तल्ला मोड़ पर खड़े हैं मेरे भाई, अनजान आदमी है, जाए कहां? एक टोपी वाला मिला। देख ले मुर्शिद अपने मुरीद को किस तरह पहुंचा रहा है मेरे भाई। आज फिरका से सारे लोग जुड़े हुए हैं, फिरका परस्ती से क्या मतलब? हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बा खुदा कर दे, यानी अल्लाह ताला से मिला दे। मुर्शिद दुआ करते हैं, इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर, तुम भी लोग तुम भी दुआ करना। उसके बाद टोपी वाला ला के यहाँ गेट मुबारक पर छोड़ दिया। अंदर जो है सूफिया जान गाछी रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिम से कहते हैं, देखो कोई गेट पर खड़ा है। और ये मौलाना सोच रहे थे दिल में कि कामिल होगा तो बुलाएगा, और दरूद शरीफ पढ़ने लगे। उसके बाद खादिम आके गेट मुबारक खोल के जो है फिर बंद कर दिया। जाके कहते हैं, हुजूर ऐसा आदमी नहीं देखा। कहा कि ठीक है उसको बुलाओ। जाते हैं मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं मुर्शिद के सामने। कहा कि क्या चले हो मौलाना? कहा कि हजूर मुरीद होने के लिए चले हैं। मुर्शिद क्या कह रहा है? कहा कि तुमको किसने भेजा? उसके बाद भी तुम्हें यकीन नहीं था कि अल्लाह का औलिया है? अब इतना कहना था कि मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह सजदे में चले जाते हैं। कहा कि ऐ मौलाना उठ के बैठ जा। बैठ जाते हैं। कहा कि ठीक है, तुम तो वाला बाबा तुम तो आलिम हो, हम तो जाहिल हैं। मौलाना मुर्शिद से कौन सा भाषा बाकी है? 18 भाषा में उस वक्त वजीफा चल रहा था, 18 भाषा चल रहा था उस वक्त। कहा कि ठीक है, एक मेरी बात मान ले। कहा कि हाँ हजूर 100। अब जो है कहा कि जितना इल्म है ना सब ताक पर रख दे, सब ताक पर रख दे, तब तो समझौता, वरना खानका से गेट आओ बाहर कर दिए जाओगे। इतना कहना था मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह सोच रहे हैं, ए अल्लाह ये जिंदगी की कमाई कहाँ रखूं? उसके बाद कहा मौलाना टाइम 3 मिनट, वरना खानका से गेट आउट कर दिए जाओगे। अब उसके बाद मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? कहा कि मैंने सारे इल्म को ताक पर रख दिया। मुर्शिद ने क्या कहा? कहा कि मौलाना 70 बरस की इबादत 7 मिनट में तय कर लिया। कितना बड़ा मर्तबा दे के मुर्शिद यहाँ से भेजा। आज हम लोग फिरका में लगे हुए हैं मेरे भाई, आज नहीं आप पूरा पूरी अपने मुर्शिद की इत्तबा करें, ऐसा मुर्शिद नहीं मिलेगा। दुनियादार तो बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे दुनियादार, ऐसा नहीं मिलेगा।